कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आज। और इसने नहाई भी नहीं है आज, और ये गंदे कपड़े पहने हुई है। तो आज है दिन मंडे, और आज मैं वीडियो की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ। तो चलो वीडियो का शुरुआत करते हैं। कैसे हैं सब? आप सब बताना मुझे कमेंट करके। और आज मैं शुरुआत में ही बोलने वाली हूँ कि जो भी वीडियो देखे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर से, सब्सक्राइब करना जरूर से, और वीडियो अच्छा लगे तो नहीं तो मत करना है ना। कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि तुम हमको फालतू ही सब्सक्राइब करने बोलती है। तो और इसके पापा गए हैं घूमने और मैंने मच्छर पकड़ी हूँ। मच्छर आजकल हमारे बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। और ना जैसे ये सामने वाला गेट और उधर पीछे का सामने का बालकनी का गेट लगाते हैं जाली वाला, तो उसके बाजू बाजू में पूरे चिपके रहते हैं मच्छर। तो अभी मेरा सारा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गई है और मैंने बाल भी बांध ली हूँ। चार ब्लाउज मुझे सुधारने थे। तो क्या होता है ना कि जब मुझे पहनने का मन करता है साड़ियाँ, तब तो मैं निकालती हूँ तो कुछ ब्लाउज की फिटिंग एकदम अजीब से हुई रहती है ना, क्योंकि हम पहनते नहीं है। तो पहले सुधारो फिर पहनो। और मशीन का ये हाल हो जाता है ना कि जब चलाना चालू करो उसके पहले इसको सुधारो तब ये चलती है। तो इसको थोड़ा मैंने पहले ऑयलिंग ऑयलिंग करके रखी थी, उसके बाद फिर मैं सिलने बैठी थी। तो आज ना दिन भर एकदम इतना परेशान हो गई मैं इन लोगों से, बहुत ज्यादा खटपट खटपट। और थोड़े से काम के लिए चार पांच लोग थे वहां बालकनी में, तो मैंने थोड़ा सा उसका वीडियो बनाई थी, तो देखना आप लोग। और थोड़ा सा काम रह गया था, थोड़ा सा नहीं करे हैं वो लोग। तो चलो फिर मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि ना खाना भी बनाना है।
और इसके पापा भी ड्यूटी से आते ही होंगे तो उनको भूख लग गई होगी। है अपने दोस्त के यहाँ और उसको मैं बुलाती हूँ क्योंकि उसको भी मुझे कुछ खिलाना पिलाना है। तो खा लेते हैं ना बच्चे लोग, तो फ्री लगता है एकदम। और काव्या है घर में ही, काव्या नहीं जाती, काव्या को नहीं जाने देती मैं कहीं पे भी। मैं जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, नहीं तो फिर। तो यहाँ कपड़े थोड़े से पड़े थे, ये चद्दर वद्दर मैंने धोए थे तो उनको मैं पहले फोल्ड करके रख रही हूँ। और मैंने अभी दाल चढ़ा दी है तो मुझे आज सारी दाल चावल ही बनाना है, दाल फ्राई करना है बस, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। तो इधर पहले मैं फ़ोल्ड करके कपड़े रख देती हूँ। और ना एकदम गंदा गंदा कमरा हो रहा था क्योंकि मैं सिलाई वड़ाई करती हूँ थोड़ा भी, तो थोड़ा इधर उधर धागा पड़ा रहता है तो वो फिर पूरा घर भर फैल जाता है। तो चलिए फिर मैं ये वाला काम फिनिश करती हूँ, फिर आपको बालकनी में ले चलती हूँ। जब हम इन लोग अंकल लोग को भूख लगेगी तब अंकल लोग हमको बताएंगे और हम लोग उनको खाना खिलाएंगे और रात को भी। ठीक, बाबा कचरा वाला या कचरा निकाल। और ये देखिए पूरे बालकनी की हो गई है फिनिशिंग। ये इस तरह से इन्हें थोड़ा थोड़ा प्लास्टर करें। और ये सारा सरकारी काम होता है ना तो ये लोग गिनती का ही काम करते हैं, बस इनको थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम बता दो कि इसको कर दो इसको कर दो तो लोग नहीं करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग। तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो ये मसाला पड़ा है इसका और ये सारे गमले बीच में कर। और अभी मैं आई हूँ किचन में दाल फ्राई करने, तो चलो मैं यहाँ लगा देती हूँ ट्राईपॉड। बर्तन जमाना है मुझे थोड़े से, तो बर्तन जमाती हूँ पहले। मेरे हाथ से थमाथम बर्तन गिरते हैं। पका के रखी है और इसमें मैंने टमाटर हरी मिर्ची सब मिला के रखती हूँ। सिर्फ मुझे जीरा से और राई से तड़का देना है बस। तो बस एक कढ़ाई गर्म हो जाए, शाम के टाइम हीटर नहीं चलता है। वैसे मैं हीटर में ना ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, बहुत मतलब 25% बनाती हूँ। गैस में भी बनाती हूँ, हीटर में भी बनाती हूँ, नहीं तो हीटर में तो खाना बनेगा ही नहीं, इसीलिए। और ये वाली दाल घोटनी ना मैं मेला से ली थी, यहाँ पे जहाँ हम ज्वालामुखी गए थे अभी वहीं पे मेला लगा हुआ था। तो वहाँ ना नवरात्रा में बहुत अच्छा मेला लगता है, वो जो गर्मी वाला आता है उसमें बहुत अच्छा मेला लगता है, उसमें सिलपत्तर विल और सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, पूरा सामान आता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। पर पिछले बार नहीं लगा था कोविड के कारण, अब देखते इस साल लगता है क्या। तो ये वाली ना मैं वहीं से ली थी और कितने की थी, 30 रुपये की मात्र, मुझे अभी भी याद है। तो इसके पहले मैंने एक स्टील की ली थी तो वो ना ख़राब हो गई थी, वो उसमें से जाली जाली बनी हुई थी, ख़राब हो गई थी, मम्मी ने मेरी दिलवाई थी। तो मैंने ना ये वाली अपने ससुराल में देखी थी, ऐसी लकड़ी वाली, हमारे मम्मी के घर नहीं है, उनके यहाँ जर्मन वाली है। तो ये मुझे ना बहुत अच्छी लगी, देखने में भी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये मुझे मिल गई है तो मैं ले लेती हूँ अब। Thank you.
भी हमारा खाना पीना सब हो गया है और शाम होते होते मेरी हालत एकदम खराब हो जाती है। पता नहीं मैं ना आजकल बहुत थक जा रही हूँ और आंखें एकदम लाल लाल हो जाती है, नींद आने लगती है ना। रात के 10 बज गए हैं और मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो